स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड, फरवरी महीने में रेलवे की तरफ से 10 नए अपडेट आ गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों बहुत से ऐसे रेल आते हैं जो बोल रहे हैं सर अभी IRCTC रेल को एप्लीकेशन का अपडेट हमारे पास नहीं आया, तो हो सकता है कुछ मोबाइलों में अभी अपडेट नहीं आया हो, बहुत जल्द दोस्तों उन सभी में अपडेट आ जाएगा। तो फ्रेंड हम 10 अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों रेलवे की तरफ से आया है कि अगर आपने पहले से मास्टर लिस्ट बनाया हुआ है और उसको आधार से अगर आपने वेरीफाई कर लिया तो उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे अगर आपने पहले किसी का भी ट्रेन टिकट बुक किया होगा, उसका अगर आपने आधार से वेरीफाई कर लिया होगा, ग्रीन टिक आ रहा होगा दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उसको दोस्तों एडिट करके आप सोचेंगे दूसरे पैसेंजर का नाम दे दें तो नहीं दे पाएंगे दोस्तों। लॉगआउट की प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलेगी और बार बार आपको लॉगआउट कर दिया जाएगा। ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नई अपडेट आई है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आधार से वेरीफाई नहीं है तो आप एडिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और 6 एक साथ दोस्तों 6 मास्टर लिस्ट आप बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें दोस्तों। ज़्यादातर रेल यात्री मेरे पास यही कमेंट कर रहे हैं कि सर मास्टर लिस्ट नहीं बन रहा है। तो जिनका मास्टर लिस्ट नहीं बन रहा है या फिर मास्टर लिस्ट एडिट नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उन्होंने पहले से किसी और पर्सन का खुद का, उनके खुद का आधार कार्ड का जो नाम के साथ आधार वेरीफाई कर लिया है, ग्रीन टिक आ रहा है, तो ऐसे लोग दोस्तों एडिट नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से दोस्तों ये किया गया है, रेलवे इसलिए बोल रही है ताकि ये पर्सनल आईडी से दूसरों का टिकट ना बुक करें। हालांकि जब बुकिंग के दौरान आप मास्टर लिस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से टिकट बुक करेंगे, डायरेक्ट नाम लिख कर इंटर करके, तो बुकिंग होगी। तो फ्रेंड कौन कौन से अपडेट आए हैं वो चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि जो IRCTC मुद्रा है, आई मुद्रा है, उसके अंदर दोस्तों जो कार्ड बंद कर दिए गए हैं, इंडस्ट्रियल बैंक का वैलेट और प्रीपेड कार्ड पूरी तरह से बंद हो गया है। इसमें दोस्तों अगर आपका वैलेट, अगर इसके वैलेट में आपका पैसा फंसा हुआ है तो फ्रेंड आप rituse@indusind.com पर दोस्तों इनको मेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दूसरा अपडेट आया हुआ है, अनिकृत एजेंट या स्क्रिप्टिंग के माध्यम से बुक किए गए टिकट बिना रिफंड के जारी किए जा सकते हैं। उन्होंने दोस्तों साफ साफ बुक बोला है कि अगर आप अनऑथराइज ट्रेन टिकट से ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो कभी भी कैंसिल हो सकता है और बिना रिफंड का वो टिकट हम सीज कर सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो कि बहुत बड़े अपडेट है और रेल यात्री खासकर ध्यान दे। आजकल बहुत सारे ऐसे रेल यात्री जो पर्सनल आईडी से बुक किया हुआ टिकट परचेस कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बुक की गई यात्रा पर समय पर अलर्ट पाने के लिए कृपया यात्री का सही मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो ये एजेंट के लिए है, ध्यान दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क ले जाया जाएगा, किसी भी टिकट की खरीदने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई अलग बट का विकल्प नहीं चुना गया तो। दोस्तों जो 5 साल के बच्चे हैं उनका कोई भी टिकट नहीं लिया जाएगा, उनकी कोई भी प्राइस नहीं है, ये चीज़ ध्यान देने का। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिर से एक बार साफ साफ बोला कि आधार सत्यापन बुकिंग, उन्होंने साफ साफ बोला उपयोगकर्ता आधार को लिंक करके 1 महीने में 24 तक बुकिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, और अगर आप आधार से नहीं बुक किए हैं तो 12 टिकट 1 महीने में बुक कर सकते हैं, मतलब 12 PNR आप जनरेट कर सकते हैं अलग अलग रूट की। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि IRCTC उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वो अपने उपयोगकर्ता प्रोफाइल को सही पता, शहर, राज्य और पिन कोड के माध्यम से अपडेट करें, गलत विवरण के कारण IRCTC उपयोगकर्ता ID निष्क्रिय हो जाएगी। दोस्तों आजकल बहुत से रेल यात्री हैं हमारे पास कमेंट कर रहे हैं सर हम ID बना रहे हैं, डिजिबल हो जा रही है। उसका सबसे मेन एक्चुअल रीज़न है गलत जीमेल ID, गलत पता, ये सब दोस्तों गलत पता वगैरह डालने पर उनकी ID पूरी तरह से डिजिबल हो जा रही, जो कि रेलवे ने साफ साफ बोला कि शहर, सिटी और पिन कोड आपको एकदम सही डालना है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो नई यूजर ID बन रही है रेलवे की, उस पर बहुत ज़्यादा नज़र है। बहुत लोग दोस्तों क्रोम पे, गूगल पे जाके फेक एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो ऐसे में 100% चांस है उनकी ID डिजिबल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि माँ वैष्णो देवी और 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर यात्रा केवल विश्वसनीय एजेंट बुक करें, जालफाज फर्जी धोखाधड़ी वाली बुकिंग के लिए ऑनलाइन विज्ञापन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो किसी साइबर क्राइम की रिपोर्ट है। तो फ्रेंड माता वैष्णो देवी और 4 धाम के लिए यात्रा की जो बुकिंग है वो केवल ऑथराइज्ड एजेंट से ही बुक करवाएं, कोई भी दोस्तों ऐड वगैरह अगर आ रहा है वहाँ से बुकिंग न करवाए, और धोखाधड़ी हो सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, इसमें रेलवे जिम्मेदार नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों ने साफ साफ बोला कि बहुत सारे ऐसे ट्रेन हैं जिसमें हम अभी भी DT क्लास के जो कोचेस है उसको हम चला रहे थे, अब हम बंद कर रहे हैं, सेकेंड सीटिंग दोस्तों जिसको हम बोलते थे, जो पहले चालू टिकट था, बाद में मतलब टिकट लेके उसमें हमको बैठने की सीट मिलती थी, अब दोस्तों रेलवे बहुत से ट्रेनों में कोच हटा रही है। तो रेलवे बोली यात्रा आरम्भ करने से पहले
एक बार आप अपना पीएनआर स्टेटस जरूर चेक कर ले और एक कोच स्थिति जरूर चेक कर ले, 139 पे इंक्वायरी कर ले और देख ले कि वो कोच वहाँ पे लगा हुआ है, डिलीट तो नहीं है। अगर डिलीट हुआ है तो आप कैंसिल करके पूरा फुल रिफंड ले सकते हैं। तो ये चीज़ें भी दोस्तों ध्यान रखें। रेलवे दोस्तों अब 2S की सोच रही है, जितनी भी ट्रेनों में 2S लगा है उसको हम पूरी तरह से हटा दें। तो ये अपडेट आया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि दोस्तों एक वेबसाइट दिया गया है www.irctc.com बुक फूड पर जाके दोस्तों आप राजधानी शताब्दी दुरंतो वंदे भारत और गतिमान ट्रेनों में पका हुआ भोजन बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड नए और यहाँ पे और अपडेट आया हुआ है कि यात्रा के दौरान यात्री को प्रमाण पत्र एक पहचान पत्र बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो उनका ये कहना है कि टीटी अगर आपसे आईडी प्रूफ नहीं भी मांग रहे हैं तो भी आप अपने साथ में एक पहचान पत्र जरूर रखो, कभी भी वो ये चीज़ें मांग सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी मोबाइल नंबर का पुनः सत्यापन अब समय समय पे होता रहेगा। उनका कहना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो जीमेल आईडी है वो समय समय पे हम अपडेट करने के लिए आपको बोलते रहेंगे। जैसे दोस्तों बहुत समय से बहुत लोग IRCTC का अकाउंट बना लिए उसको अपडेट नहीं किए हैं, तो समय समय पे दोस्तों रेलवे उसको अपडेट करने के लिए बोलेगा। हालांकि एक नए जीमेल और नए मोबाइल नंबर से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें जो IRCTC का मुद्रा है वो भी मैंने आपको बता दिया था। और फिर इसमें साफ साफ उन्होंने बोला भारतीय रेलवे IRCTC या इसके कर्मचारी रिफंड के मुद्दे पे कभी भी आपके पास कॉल नहीं करती है। कभी भी व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, OTP, ATM पिन, CVV नंबर या पैन नंबर, जन्मतिथि के बारे में नहीं पूछते हैं। कभी भी इंस्टॉल करने के लिए हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं बोलते। मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर कोई भी रिमोट कंट्रोल ऐप, एनीडेस्क, टाइमर आदि हम कभी नहीं बोलते। कभी भी सोशल मीडिया पर सर्च इंजन पर IRCTC कस्टमर केयर का नंबर न सर्च करें। IRCTC साइट ऐप में हमेशा हमसे संपर्क करने का अनुमान करें। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम IRCTC गूगल पे जाते हैं, नंबर जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे लोगों का नंबर आ जाता है, तो ऐसे में दोस्तों हम उनके जाल में फंस जाते हैं। ये फ्रॉड लोगों का हाल है, तो फिर आपसे वो गलत वसूली कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड रेलवे का कहना है कि जो रिफंड से रिलेटेड, टिकट बुकिंग से रिलेटेड जो भी हमारा सिस्टम है पूरी तरह से ऑटोमेटिकली काम करता है। हम कभी भी किसी कस्टमर के पास कॉल करके नहीं बोलते हैं कि आपका टिकट फेल्ड हो गया है, आपका टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको CVV या पिन बताना है XYZ। ऐसे दोस्तों किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो पूरी तरह से फ्रॉड कॉल है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है यात्रियों से अनुरोध है कि बोर्डिंग स्टेशन से पहले भारतीय रेलवे की वेबसाइट www.indianrail.gov या फिर 139 पे अपनी ट्रेनों का प्रस्थान या टाइमिंग जरूर चेक कर ले, ये चीज़ फ्रेंड आप ध्यान दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिय ग्राहक www.irctc.co और रेल कोनेक्ट ऐप आपके ट्रेन टिकट संबंधित क्वायरी, शिकायत, सुझाव एकमात्र वेबसाइट ऐप है। यदि आपको ऐसी कोई भी वेबसाइट, व्यक्ति मिले जो आपके टिकट का रिफंड समाधान का दावा करती है तो कृपया ध्यान दें और care@irctc.co पर शिकायत करें। उनका कहना है कि दोस्तों हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो IRCTC की वेबसाइट और IRCTC की रेल कोनेक्ट एप्लीकेशन, अगर आप इसके थ्रू ट्रेन टिकट बुक किए हैं तो यहीं पे ही समाधान आपको मिलने वाला है। और फिर यहाँ पे किसी भी भुगतान गेटवे पर सभी बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। किसी भी बैंक के किसी भी कारण कार्ड को ब्लॉक करने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। भुगतान पेज पर किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए पेमेंट गेटवे क्रेडिट डेबिट कार्ड का चयन करें और भुगतान का वहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं, ये चीज़ फिर आप ध्यान दें। उनकी तरफ से एक नई अपडेट आई है, ई टिकट कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें दोस्तों किसी भी कोई भी मैनुअल तरीके से नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उनका कहना है कि ट्रेन टिकट अगर कैंसिल होगा तो ऑटोमेटिकली रिफंड आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रेन अगर कैंसिल होगी तो ऑटोमेटिकली टिकट कैंसिल होकर रिफंड आ जाएगा, आपको किसी भी थर्ड पार्टी या कहीं पर भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों ने बोला टिकट बुकिंग के टाइम अंतर्राष्ट्रीय कार्ड भुगतान विकल्प तभी उपलब्ध है जब यात्रा की तिथि की बुकिंग तिथि से कम 2 दिन पहले हो, चीज़ ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों ट्रेन के 3 घंटे से अधिक लेट होने की स्थिति में रिफंड, यदि ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट है तो रेलवे नियमों के अनुसार तभी स्वीकार है जब उपयोगकर्ता द्वारा बोर्डिंग स्टेशन पर ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले TDR दाखिल किया गया हो और यात्री यात्रा नहीं किया हो, तो ये चीज़ें दोस्तों आप ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे और लिखा हुआ कि आपको 0, 800 और 1200 घंटे के बीच की वापसी आगे की यात्रा छोड़कर एक उपयोगकर्ता लॉगिन सेट में केवल एक ही बुकिंग करने की अनुमति है। मतलब 8 बजे से लेकर दोस्तों 12 बजे के बीच में दूसरी बुकिंग करने के लिए कृपया लॉग आउट करें और फिर से लॉगिन करें। आपको बहुत अच्छे से पता है जब 8 बजे से 12 बजे के बीच में एक बार जब आप लॉगिन करेंगे और एक PNR आप बुक कर लेंगे तो उसके बाद फिर से दूसरा PNR बुक करने के लिए आपको एक बार लॉग आउट होना पड़ेगा, तभी आप बुक कर पाएंगे।
उसके बाद दोस्तों पैसा कट गया लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ। अधिक ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखना है, अगर पैसा कट गया कई बार सर्वर इशू के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों का फ्रेंड आपको ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली आपका पैसा आ जाएगा। रेलवे बोली यूर मनी सेफ, आपका पैसा हमारे पास है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन, यात्री 28 जनवरी से निर्धारित प्रस्थान 24 घंटे से ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। तो फ्रेंड ऑनलाइन आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। तो फ्रेंड रेलवे के कुछ ये बड़े वो कुछ अच्छे और कुछ ख़राब अपडेट थे, तो फ्रेंड ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सूरत बॉय सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।